जहां एक और टमाटर के दामों में गिरावट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, तो वहीं अब प्याज की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान दिख रहे हैं। पिछले चार दिनों में प्याज के दाम दोगुने हो गए हैं। मंडी में जो प्याज कुछ दिन पहले 15 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 30 रुपए से ज्यादा की कीमत पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ टमाटर के दामों में थोड़ी कमी आई है, तो वहीं अब प्याज के दामों ने रुलाना शुरू कर दिया है। प्याज के दाम एकाएक 4 से 5 दिनों में डबल हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये यहाँ पर सब्जी की दुकान है और प्याज इनके पास यहाँ पे फिलहाल भरपूर है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में प्याज के रेट डबल हो गए हैं। इसके बारे में इनसे जानकारी करेंगे कि क्या वजह हो गई। भाई साहब कितने का बिक रहा है अभी? अब तो 40 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। 4-5 दिन पहले लगभग कितने का था? 20 रुपए किलो था प्याज। क्या वजह हो गई, क्यों बढ़ गया रेट, कुछ जानकारी है? क्योंकि बरसात हुई है ना, थोड़ी बहुत बरसात, कहूँ कहीं भारी बरसात हो जाने के कारण, बरसात जैसे बाहर से प्याज आती है, इंदौर से है और नासिक से है, वहाँ बरसात काफी हो जाने के कारण ये प्याज महंगी हो गई है और प्याज अभी और महंगी होगी, क्योंकि अभी सावन में कुछ लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, तो इससे सर प्याज का दाम थोड़ा कम है। यानी कि खपत अभी कम है, खपत जब बढ़ेगी तो अभी प्याज और महंगा होगा। प्याज कम से कम 100 से 80 जाएगा, क्योंकि सावन के लिए डबल सावन पड़ गया ना, तो हर साल में 30 रुपए प्याज इतने हो जाता था, 80-100 हो जाता था हर बार। हर साल रेट यही रहता है क्या? नहीं नहीं, बढ़ता तो है प्याज का, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। पिछली बार तो बहुत प्याज हो गया था। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी रोक लगाई है, अभी विदेश जो प्याज जाता था उस पर रोक लगा दी, वरना प्याज के रेट और ज्यादा बढ़ जाते। जी हाँ, प्याज अगर बाहर अगर जाता तो प्याज के दाम फिर बहुत बढ़ जाते, क्योंकि सावन खत्म होते हुए प्याज 80 तक पहुँच जाएगा फिलहाल, क्योंकि प्याज बाहर से बाहर ज्यादा, जो नासिक प्याज आता था, लाल वाली प्याज आती थी, वो प्याज सब सड़ गई है, क्योंकि वहाँ बरसात ज्यादा हो गई, बाढ़ आ जाने के कारण वो प्याज नहीं आ रही, इसलिए इंदौर से खाली प्याज आ रही है, इसलिए महंगी है प्याज। देखिए, प्याज इस समय सिर्फ इंदौर से आ रही है इसलिए महंगी है, और इनका कहना है कि जो इस समय माहौल चल रहा है, यानी कि मॉनसून का इफेक्ट भी ज़रूर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है, और इनका कहना है कि हर साल बरसात के मौसम के बाद, यानी कि सावन के बाद, प्याज के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। 4 से 5 दिन पहले 20 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, अब 40 रुपए हो गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर रोक ज़रूर लगा दी है, एक्सपोर्ट का जो टैक्सेस है, जो पैसे हैं एक्सपोर्ट करने में जो व्यापारी देते थे, उसका भी रेट बढ़ा दिया गया है, ताकि विदेश जो है वो व्यापारी प्याज ना भेज सकें, क्योंकि अगर प्याज की कमी होगी एक्सपोर्ट करने से तो रेट एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जो दुकानदार है, इनका कहना है कि जैसे ही सावन खत्म होगा 80 से 100 रुपए किलो प्याज बिकने लगेगा। यासिन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।